दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में 99% छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी करते समय दो बड़ी गलतियां करते हैं। उन दो गलतियों के कारण ऐसे छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब भी भर्ती आती है लगभग आधा परसेंट या 1% छात्रों का ही चयन होता है, 99% छात्र बाहर हो जाते हैं। सारी जानकारी मैं आपको विद प्रूफ इसी वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो ना लगे क्योंकि कुछ लोगों को कड़वा सच सुनने की आदत नहीं होती है। अगर मीठी मीठी बातें करो तो बहुत अच्छा लगता है, उनको कड़वा सच सुनने के लिए उनके पास क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे जो छात्र हैं कृपया वीडियो को स्किप कर दें, मत देखिएगा पूरा, क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा ठेस लग सकती है इस वीडियो में, ठीक है। बाकी जो लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 1% छात्रों में जिनका चयन होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता तो स्किप कर दीजिएगा या डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप आंकड़ा देखिए, ये आपके पास आंकड़ा है टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2022 का। इस वर्ष जो वैकेंसी आई है वो 4163 पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें टीजीटी मेल के 3213 पद हैं, टीजीटी फीमेल के 326 पद हैं, पीजीटी मेल के 549 पद हैं और पीजीटी फीमेल के 75 पद हैं। कुल 4163 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इतने का ही चयन होगा, लेकिन आवेदन कितने करे हैं? आवेदन की संख्या आपको बता दें कि लगभग 13.5 लाख छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है, ठीक है। मान के चलते हैं, रफली डाटा लेकर के चलते हैं, 9 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टीजीटी के लिए आवेदन किया है और करीब 4.5 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी के लिए आवेदन किया है। ये ऑफिशियल डाटा नहीं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज निकल के आई है वो चीजें बता रहा हूं, एग्जैक्ट में कम ज्यादा हो सकता है। तो दोनों को अगर जोड़ दीजिए आप लोग तो 13.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पर अप्लाइड हैं। अगर टोटल वैकेंसी के सापेक्ष में हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक पद के सापेक्ष में 325 दावेदार हैं। तो जाहिर सी बात है 325 दावेदार होंगे तो एक पद के सापेक्ष में तो चयन एक का ही होगा, 324 छात्र तो एक पद के हिसाब से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सब डेटा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इजीली चयन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कड़ा कंपटीशन है। 99% छात्र यहाँ पर बाहर होंगे, आधे परसेंट से भी कम ही यहाँ पर छात्रों का चयन होना है। तो कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। अब क्या ऐसे दो कारण है जो अधिकतर छात्र गलतियां करते हैं जिनको वाकई में नहीं करना चाहिए? अगर आप एक सीरियस प्रतियोगी हैं तो ये गलतियां नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर छात्र इन गलतियों को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। अब क्या गलतियां हैं? तो जो सबसे पहली गलती है वो आपके सामने ये है कि जो छात्र हैं वो खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। बहुत सारे छात्रों को मैं देखता हूं डिमांड करते हैं, सर हमें नोट्स बता दीजिए, कहां नोट्स मिलेंगे, किसके अच्छे नोट हैं। भाई मैं कहता हूं कि मार्केट में जो भी नोट्स मिल रहे हैं वो सब कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, केवल ब्रांडिंग करके अपनी वहां पर सेल किए जा रहे हैं, बाकी सारा कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो मार्केट में जो नोट्स मिल रहे हैं उन पर बिल्कुल भी यकीन ना करो। अगर आपको वाकई में लगता है ये ऑथेंटिक नोट्स हैं तो आप ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 99% जो चीजें चल रही है मार्केट में वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, कॉपी पेस्ट उनका हो रहा है। आप खुद से नोट्स बनाओ, जो आपके खुद के नोट्स होंगे उनका कोई मुकाबला नहीं होगा, सबसे बेस्ट होते हैं आपके नोट्स। थोड़ा मेहनत जरूर लगेगी लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। जितने भी एग्जाम लोग क्रैक करते हैं या जितने भी टॉपर्स होते हैं वो कभी नहीं आपको बताए होंगे कि हमने यहां से नोट्स खरीदे और यहां से पढ़ाई करी। सभी लोग ये आपको प्रेफर कहते हैं, ये बताते हैं कि हमने खुद के नोट्स बनाए। कैसे नोट्स बनाए ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन लोग खुद के नोट्स बनाते हैं, उन्हीं से पढ़ाई करते हैं। खुद के नोट्स बनाने में बहुत सारी चीजें आती हैं, हो जाती हैं, जो आप
नोट कर सकते हैं, ठीक है। और एरर की संभावना बहुत कम रहती है खुद के नोट्स में, मार्केट के नोट्स लेंगे तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ टाइप क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो वहां पर क्या है कि एरर ज्यादा रहती है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नोट्स मार्केट में लेने और खुद के नोट्स लेने में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको, ठीक है। तो पहली गलती तो ये है, आपको खुद के नोट्स बनाना चाहिए। जितने भी हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ, भाई खुद के नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट, ठीक है। चलिए, नोट्स की बात हो गई, आपने किसी तरीके से पढ़ लिया, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ ठीक कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन अब आपकी गलती क्या, दूसरी बड़ी गलती करते हैं आप लोग कि टॉपिक तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हल नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं हल करते हैं, सबसे बड़ी गलती। भाई आपको आता सब कुछ है लेकिन जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितना समय आप अपना पढ़ाई में दे रहे हो, ठीक है, उतना समय आप जो है प्रैक्टिस में दो। प्रैक्टिस आप स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हैं, और जब एग्जाम का आपका 10 से 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, उस टाइम आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो कि आपका सिलेबस कम से कम, अगर समय है आपके पास तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, 15-20 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट 15-20 डेज होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस 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 ही करनी चाहिए। और इसके साथ ही जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर सॉल्व करने चाहिए। जैसे सपोज करो आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी, इंग्लिश ग्रामर में कोई नाउन पढ़ा आपने या प्रोनाउन आपने टॉपिक खत्म किया, तो उसका जो टेस्ट है, जो नाउन के अंतर्गत जितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके बाद जब पूरा चैप्टर हो जाए, जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए, तो आपको सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी आपको जरूर करने चाहिए, और उसमें जो कमियां है उनको पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर कमियां क्या निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। मैं कहता हूं कि कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको एकदम सॉल्व कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस तो आपका वही है, सिलेबस तो बदल नहीं रहा है, जब सिलेबस नहीं बदल रहा है तो कई बार क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा भले सेम टू सेम ना रिपीट करें लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, लगातार आयोग की परीक्षाओं में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, किस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेंगी। और जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा कि आखिर एग्जाम होता कैसे है, कितने मार्क्स आप कर पा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो 500 का पूर्णांक होता है, 500 में आपके अगर टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं 200-250, तो मान लीजिए इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो कि रियल एग्जाम में आएंगे, जब आप मुख्य बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे उससे कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप एक टारगेट सेट करो कि इतना कट ऑफ इसका जाता है और हमें इतने तक पहुंचना है, इसको पार करना है। ये तभी पार कर पाओगे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे। आपको जो टारगेट है आपका, उस टारगेट के ऊपर ही जाना है। ये मान लीजिए रियल एग्जाम है, उससे कम मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और जो है अच्छे से तैयारी करें। इसके साथ ही जो भी छात्र पिछली 1-2 वैकेंसी से तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से उनका चयन नहीं हो पाता है, तो आप लोग सोचो, अगर गौर से सोचोगे तो आप देखते होगे कि आपका चयन 2-4 नंबर 5 नंबर से रुक रहा है। तो ये चयन क्यों रुक रहा है, इस पर कभी एनालिसिस आपने किया है? ये चयन और ये आपका चयन सिर्फ इसलिए रुक रहा है ताकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो प्रैक्टिस को कम टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जो बाउंड्री के आसपास हैं,
दो चार नंबर पांच नंबर से उनका चयन रुक रहा है। तो ये मान लीजिए कि आपके स्टडी में, आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस की कमी है। आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन जानबूझ करके जब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, तो वो क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत काला हो जाता है उसका विकल्प, ठीक है, गलत कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यूपी टीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है और पीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन 3.5-4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि चार नंबर आपके चले गए। ये चार नंबर कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन 0.000 पॉइंट से रुक जाते हैं। तो चार नंबर तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से अगर आपने पूरे पेपर में सपोज कर दो तीन क्वेश्चन भी गलत कर दिए, तो अगर तीन क्वेश्चन मांग के चलते हैं तो 12 नंबर आपके कम हो गए। 12 नंबर बहुत बड़ी चीज है जो कि आप सही कर सकते थे, लेकिन सर इसीलिए सही नहीं कर पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। एग्जाम में कभी जल्दबाजी मत करो, टाइम लेकर के चलें, पहले से समय से पहुंचे और जो है आराम से सॉल्व करें ताकि आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत ना हो पाए। तो अगर ये सब गलतियां आपकी हो रही हैं, आप भी बाउंड्री पर हैं, बाउंड्री से जब रह जा रहे हैं हर बार, तो ये मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस आप बुक से नहीं कर पाओगे, बुक का मतलब है ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में क्या होता है, आप प्रैक्टिस जो है वो बुक आपके सामने रखी है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दो घंटे में, उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हैं तो फिर उसमें आप एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा गलत है, इसमें आधा घंटा 20-30 मिनट निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर आप ये नहीं पता करते हैं कि हमारे क्या एक्यूरेसी रही, क्या हमारी ऑल इंडिया रैंक रही, लोगों के बीच हम कहां स्टैंड करते हैं, ये सारी चीजें आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये सारी खूबियां हैं जो आपको मैंने यहां पर बताई। उसमें जैसे ही आप एक क्लिक सबमिट करेंगे पेपर देने के बाद, तुरंत आपके सामने स्कोर आ जाएगा कि आपके इतने मार्क्स हैं 500 में से, ठीक है, तुरंत आपको मार्क्स पता चला। कोई आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपकी एक्यूरेसी रही, आपका परसेंटेज क्या जा रहा है, आप ऑल इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आपके रैंक क्या आ रही है, रैंक भी ऑनलाइन में बताई जाती है कि आपकी ये रैंक आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी कमियां क्या है, कौन से प्रश्न आप सही नहीं कर पा रहे हैं, जी वाले सही नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट वाले सही नहीं कर पा रहे हैं, मॉडरेटर वाले सही नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन पता चलेंगी। और सभी प्रश्नों का डिटेल्ड सोल्यूशन तो मिलेगा मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है आजकल, ज्यादातर जो टेस्ट सीरीज आती है बायलिंगुअल आती है, हिंदी और इंग्लिश में आती है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो सभी को प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और आप लोगों के लिए हमारे यहाँ से टीचिंग एग्जाम पैक लॉन्च किया गया, इसमें ऑल इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम है सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे। इसमें जो है यूपी टीजीटी के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि देखिए यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी 36 टेस्ट है, आर्ट 20 टेस्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स 51 टेस्ट है, हिंदी 52 टेस्ट है, साइंस 44 टेस्ट है, इंग्लिश 67 टेस्ट है, सोशल साइंस 73 टेस्ट है, संस्कृत का 28 टेस्ट है, होम साइंस 28 टेस्ट है, कॉमर्स 7 टेस्ट है, फिजिकल एजुकेशन 20 टेस्ट है। इसके अलावा ऑल इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, सीएसआईआर हो, यूजीसी हो, सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपको इसी में मिल जाएंगे। 8900 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट के भी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी चाहिए। और ये सारा कुछ आपको सिर्फ इस पैक में मिल जाएगा, टीचिंग एग्जाम पैक 699 प्राइस है इसका, लेकिन आज ऑफर है, ₹50 का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है GET50, कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आपको ₹50 का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक, कोई समस्या होती है तो हमें आप लोग ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहां पर आप लोग चैट भी कर सकते हैं। और जो है हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको बताया, जो चीजें बताई उनको आप फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेगा उसी का चयन होगा। फॉलो नहीं करेंगे आपकी इच्छा, ना फॉलो करिए, ठीक है। हमारा काम है आपको बताना, सही गाइडेंस देना, करना या ना करना आपके ऊपर है।
तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।